altitude, the value of g would become 1/4 then on the surface of the earth. सबसे पहले value of g कितनी रह जाए, 1/4 of the earth, earth surface. वैल्यू ऑफ जी आपके पास क्या रहेगी, 1/4 ऑफ द अर्थ सरफेस. रेडियस ऑफ अर्थ ये भी हमें मालूम होना चाहिए और मास ऑफ अर्थ भी क्या होना चाहिए, हमें मालूम होना चाहिए. रेडियस ऑफ अर्थ क्या होता है हमारे पास, यानी जमीन का रेडियस क्या होगा आपके पास, 6.4 मल्टीप्लाइड बाय 10^6 मीटर. समझ आई बात की, ये आपने याद रखना है. वैसे ये कितना होता है, 6400 किलोमीटर. साइंटिफिक नोटेशन में कितना कैसे लिखा जाता है, 6.4 मल्टीप्लाइड बाय 10^6 मीटर. मास ऑफ अर्थ कितना होता है, 6 × 10^24 किलोग्राम. H is equal to no question mark. If G H is equal to no, mass of Earth the whole square. ठीक है बेटे, ये यहाँ तक इसका फार्मूला, तब तक तुझे भी जी की वैल्यू नहीं आनी. ये डिवाइड हो रहा है इधर, इधर आके क्या हो जाएगा, ये इसका क्या है प्रॉपर, ये 4 डिवाइड हो रहा है, अब आगे क्या हो गया मल्टीप्लाई, 4 मल्टीप्लाइड बाय 6.67 मल्टीप्लाइड बाय 10^-11 मास, 6 मल्टीप्लाइड बाय 10^24. ठीक है बच्चों, कई बच्चे नाम के लायक होते हैं वैसे होते हैं नकम्मे जो जमा के, क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई 24, या ओवरऑल मुझे वैल्यू निकाल के बता दो, मैं इधर पावर ले -11 + 24 और ये अप जाके -1 160 ये जरा 10^-1 है, -11 है, -1 -12 +24 में से लेस की है तो +12 बच गई. यहाँ तक क्लियर है बच्चों, अब देखिए इधर स्क्वायर है, इधर ओवरऑल वैल्यू आपके पास ये है. मैं एक स्टेप और कर देता हूँ, -12 + 24 तो क्या बच गया आपके पास, R plus H the whole square 160.152 multiplied by 10^12. यहाँ तक क्लियर है आपको, अब इसको खत्म करने के लिए दोनों तरफ क्या करेंगे, अंडर रूट लेंगे. अंडर रूट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये क्या है होल स्क्वायर,
आर प्लस एच अंडर रूट लेगा बस आप 6 5 12 आ गया, ये अंडर रूट का क्या आ गया 1/2 तो 2 6 12 तो इसलिए यहाँ पे क्या वैल्यू आ गई 6। आर की वैल्यू क्या है हमारे पास, इसमें से ये माइनस करो और वो दोनों पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी ऐड, करो क्या आता है बेटे 6.6 और रेडियस अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 रेडियस ऑफ अर्थ। कैसे, ये अर्थ है इसके एक रेडियस कितना है, बाकी चारों भी ऐसे ही होंगे ना, तो ये जो एल्टीट्यूड निकला है वो भी किसके इक्वल है आपके 1 रेडियस ऑफ द अर्थ, इसीलिए हमने ये स्टेटमेंट लिखी। समझ आई कि पहली ही नहीं।